दानापुर एसटीएफ की गाड़ी चोरी करने वाला विधायक का बेटा निकला। सराय रंजन के विधायक रामाश्रय सानी का बेटा मुकेश सानी वाहन चोरी में पकड़ा गया है। दानापुर थाना अध्यक्ष कमलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि दानापुर कांड थाना संख्या 300/22 दर्ज है। पकड़े गए चोर के खिलाफ बिहार के कई जिलों में मामले दर्ज हैं। बिहार एसटीएफ की टीम ने दानापुर क्षेत्र में एसटीएफ की चोरी की गई सुमो वाहन को पश्चिम बंगाल से ढूंढ निकाला है। इतना ही नहीं, दो चोर को भी धर दबोचा है। पकड़े गए चोर शातिर अपराधी हैं और उनका मुख्य पेशा है गाड़ी चुराकर दूसरे राज्यों में बेचना। बिहार एसटीएफ के विशेष टीम द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य एवं वांछित अपराधी मुकेश सहनी और सुनील कुमार को पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी दिनाजपुर जिला के डालकोला थाना क्षेत्र से छापेमारी कर चोरी की गई वाहन सुमो गोल्ड के साथ गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि उक्त अपराध कर्मी के द्वारा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एसटीएफ बिहार पटना का सरकारी वाहन सुमो गोल्ड को दानापुर थाना क्षेत्र से चोरी कर लिया गया था। इसके विरुद्ध बिहार राज्य के समस्तीपुर, मधुबनी, नवादा, पटना और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के विभिन्न थानों में वाहन चोरी लूट के कई कांड दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्वर्ण रानी के साथ आनंद मोहन की रिपोर्ट। दिनांक 23/24 की रात्रि में आनंद बाजार से एसटीएफ के एक स्टाफ जो गाड़ी वहां खड़ी रखा था सुमो विक्टा, उसकी गाड़ी अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली है। इस संबंध में दानापुर थाना कांड संख्या 300 दिनांक 24 दर्ज किया गया। इसके अनुसंधान के क्रम में उपर्युक्त गाड़ी जो है बरामद हो गई है। इसमें दो अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए, एक का नाम है सुनील शर्मा और दूसरा का नाम है मुकेश सानी। ये मुकेश सानी जो है ये बहुत पुराना, सुनील शर्मा दोनों पुराना मैंने अपराधी हैं वाहन चोरी के, पूर्व में भी कई कांडों में ये लोग संलिप्त रहे हैं। और ये मुकेश सानी जो है पूर्व विधायक सरायरंज के विधायक रामाश्रय सानी का बेटा है। कहाँ के रहने बताए तो कि ये पूर्व सराय रंजन समस्तीपुर जिला के विधायक के बेटा है मुकेश सानी, और सुनील कुमार जो है फारहानपुर भोजपुर जिला चांदी।